रिहायशी इलाके ठेका खुल्या होया की मुश्किल आ रही है? सानू बहुत मुश्किल आ रही हैं सर। पहला तो नंबर एक देखो गुरुद्वारा साहब रास्ता जाता है, बहुत जाने आने वालों परेशानी होंगी आ। ठेके उत्ते हर टाइम बंदे खड़े ही रहिंदे ने, सुबह तो लेकर शाम तक रात के 11 बजे तक, सवेरे 6 बजे खुल जाता है। इतने हर टाइम खड़े रहिंदे ने, गाली गलोच हुंदी आ। शाम को 11 बजे लोग जिहड़े आउंदे ने गुंडागर्दी वाली आउंदे ने, सारे मुंडे खुंडे आके उच्चड़ हल्लड़बाजी करदे ने। साडे घर ने सामने घर है, साडा इधर घर है जी, उपर घर रहायशी मकान आ, सारा रहायशी एरिया सारा है। ये बिना परमिशन के उत्ते ठेका खुल्या जी, चक्या चक होना चाहिए। साडे प्रशासन नूं सख्त जोर मंग है। गुरजंट सिंह जी, इतने ठेका खुल्या रहायशी इलाके च की मुश्किल आ रही है? मुश्किल आ रही है, साडे कोल गाहक नहीं आउंदा जी, दुकानदारी दे विच कोई लेडीज़ गाहक नहीं आउंदा हैगा। साडी दुकानां नेड़े लगदियां ने जी, ते होर बहुत मुश्किल आउंदियां ने जी। ते रात नूं इत्थे शराबी लिटदे ने जी, फुल दारू पी के। किन्ने घर बणे होए ने ठेके दे आले दुआले? सामने घर ने जी ठेके दे, ते लेडीज़ नूं लंघना बहुत औखा जी। ते पिछे घर ने जी, सामने आले दुआले घर ने जी, इधर नूं गुरद्वारे वाला राह भी लंघदा जी, गुरद्वारे जाना करना बहुत औखा लगता जी। ते होर सरकार तो मंग करते हैं जी, असीं भी ठेका चक्या जाए इत्थों जी। ये रहायशी इलाका जी, इत्थे शाम के टाइम शराबी शराब पी के तंग करते हैं। तो शाम के टाइम कई बार आपस में लड़ाई भी पै जाती है शराबियों की। पता की है जी, इत्थे साडा महला नहीं चाहता ठेका खोलना जी। इत्थे साढ़े आठ अज तो 10 साल पहला साढ़े 8 साल की कुड़ी का बलात्कार करके इत्थे कुड़ी मारती थी, दो बारी हो गया जी। इत्थे ये सारा इत्थों तुसीं देखो जी, इत्थों तो लेके उत्थे तक शमशान है, खाली प्लाट पए ने जी। अचानक इत्थे किसी नूं आ प्लाट दे विच लैके किसी बच्चे नूं कोई शराबी वड़ गया, तो यह दसो कित्थों जाणगे बच्चियां, स्कूल दीआं जांदियां ने। देखो सारिआं नूं मैं कहना चाहुंदा, साडे स्कूल दे बच्चे छोटे छोटे आउंदे ने, धीआं भैणां आउंदियां सब दे, किसे ने भैणां मावां ने, किसे ने धीआं भैणां लंघणा, मावां ने लंघणा। इहदा रास्ता पहले ही बदनाम है, इत्थे रेप होया, इत्थे सारे कमरे खंडर होए पए ने, उरे पूरे लुट्ठां गोआं पहलां हुंदियां ने, उरे दा फिर दारू पी के रोज़ रात नूं इक अद्धा किसे दी वारदात होगी, कौन जिम्मेवार आ? किसे दा कोई चीज़ मर गया, कौन जिम्मेवार उहदा? किसे कोई लुट्ट होगी, कौन भरूगा? साडी सरकार नूं हत्थ जोड़ के यही बेनती है वी इहनूं बंद कराया जावे। साडे MLA साहब नूं यही बेनती, जल्द तों जल्द इहनूं बंद कराया जावे। स्कूल वाले बच्चे इधर नूं जांदे ने जी, इधर बहुत खतरा हुंदा है। रात नूं तो उस तरह ही चोर इत्थे खड़दे हैं। जब दारू का जब अड्डा खुल जाऊगा, फिर तो इत्थे लड़ाइयाँ झगड़ा होणगे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल, जाते हैं उन्हें भी बहुत औखा होगा। इहनूं बंद कराना चाहिए, हर हालत च बंद कराना। जब तक बंद नहीं होगा, जब तक असी उरे तो उठांगे नहीं।